अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़कीर अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ हैं मुजीब भाई। और आज हम लोग अपियर हो रहे हैं फरीद भाई के व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में, जहां हो रहा है यूथ एम्प्लॉयबिलिटी समिट 2019, जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके के स्टॉल लगेंगे और वहां रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों का, कि जो अपने मतलब जो भी प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाया उन सब का रिप्रेजेंटेशन होगा। और सबकी एक एक प्रोजेक्ट होगी, जिसमें हर कोई अपना जिस मुतालिक पे उन लोगों ने बनाया तो उसी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्बत यूनिवर्सिटी में। अभी यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, कल्चर स्टॉल लगे हुए हैं और मेरा भी स्टॉल है। अभी मैं जाऊँगा हॉल में, वहाँ पर स्टूडेंटों के मुख्तलिफ स्टॉल हैं, वो स्टॉल भी आज दिखाता हूँ। और यहाँ पर म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है मज़दूरों का, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। Assalamu alaikum, this is me Yasmin Ghani from Tarbat Balochistan, and today I am here in the exhibition of University of Tarbat. So aaj hamara model hai beauty cosmetics, jo hum log banate hain natural cosmetics, beauty cosmetics banate hain jinka koi side effects nahi hai. Ye sab ye products jo humne banaye ye sab natural hai, ye homemade hai, ye humne khud banaye jo हमने बनाए कि आप लोगों ख़वातीनों का स्किन ठीक हो जाए। दे प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम मैनी डिजीजेस एंड दे आर वेरी मच नेचुरल। वी यूज़ रोज पेटल्स एंड पेट्रोलियम जेल टू मेक लिपस्टिक। वी यूज़ फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स टू मेक सच ब्यूटी कॉस्मेटिक्स। सो हाउ आई मेड दिस मड मास्क, दिस मड मास्क इज़ मेड अप ऑफ मुल्तानी मिट्टी, टर्मरिक पाउडर and misri shakar. You can also subscribe to my channel, go and YouTube search Yasmin Ghani, this is my channel. Also is channel ko bhi subscribe kare, niche bell icon ko daba de aur video ko like bhi kar de. Bye, khayal rakhna. मेरा नाम
नाम नाजुक है और मैं सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आए और हमारे मॉडल साइकिल के बारे में है कि हम एक चीज़ को दोबारा यूज़ में कैसे ला सकते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत से वेस्ट मटेरियल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि देखते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होती है। इसे हम अगर दोबारा यूज़ करें तो फिर पॉल्यूशन कम हो सकती है। इसी वजह से जैसे हमने ये प्लास्टिक का बैग्स वगैरह बनाए, इसकी वजह से बहुत पॉल्यूटेड होती है हमारा माल। अस्सलामुअलैकुम, मैं आयशा दश्ती यहाँ पर एक स्टोर मैंने यहाँ पर खोली है और मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आई हूँ। मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई है। हमारे जो डिपार्टमेंट है यहाँ मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि हाथ जो हाथ के कढ़ाई होते हैं वो जो ज़ाया दोस्त होते हैं उन्हें हमने न्यू तरीके से बनाए हैं। टिशू पेपर कवर है और भी कुछ है ये मैंने बनाए। और मैंने ये बनाए क्योंकि मुझे फाइटर पायलट बनना है, इसलिए मैंने ये बनाया है। ये तैयार है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कास्ट ये बनाया है। ये मैंने कास्ट अपने लिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी अगर मेरे एप डन हो जाए और मेरी फैमिली मेरे को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनूँगी फाइटर पायलट। और ये हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यहाँ हर किस्म की चीज़ें सिखाते हैं। हमारे बलूची कल्चर को हमने यहाँ प्रेजेंट किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा बलूच माहौल हमने प्रेजेंट किया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमने शाखों से ये घर बनाए हैं। जो पहले के बलूच थे वो शाखों से अपने घर बनाते थे, लकड़ियों से अपने घर बनाते थे और ईंटों से अपने घर बनाते थे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ अपने आर्ट को भी प्रेजेंट किया है। ये हमने आईना बनाया है, ये बलूची चंपल हैं जो हमने रिसाइकल किए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक घर भी बनाया है और वो बलूचों के कल्चर को हमने प्रेजेंट किया है। वो बलूचों की शादी ब्याह जो होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं, हमने वो भी प्रेजेंट किया है। और मिट्टी से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है, जो ये हमारी आर्ट को भी प्रेजेंट कर रहा है और हमारी बलूची कल्चर को भी हम यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हमारे कदीम जो बलूच थे वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत में ग्वादर के रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। हमने अपने रिसर्च में एक टेस्ट किया है कि यहाँ की जो औरतें हैं ओक्का पीती हैं। ओक्का से ये माउथ कैंसर, लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो रही हैं। हमने इस वजह को तलाश करने के लिए ओक्के के पानी का टेस्ट किया है। किसी ने एक घंटे ओक्के पिया है वो पानी लिया है, दो घंटे ओक्का पीने का पानी लिया है,
पूरे दिन में उसका पिया है वो पानी लिया है और दो दिन का उसका पीने का पानी लिया है। इन चार सैंपल्स को टेस्ट किया है साइनाइड के कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए, और इस टेस्ट से हमें ये अंदाज़ा हुआ है, पता चला है कि जो दो दिन का पानी है उसमें साइनाइड ज़्यादा है। और साइनाइड एक जहर है, ये जितना भी हम लोग उक्का पिएंगे तो हमारे जिस्म में भी उस तरह से साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है और हम ये बीमारियों में मुक्त हैं। आया उक्का से ज़्यादा नुकसान हासिल होते हैं या सिगरेट पीने से, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा मिला है कि सिगरेट से कम नुकसान, सिगरेट जो है उसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, इसमें साइनाइड कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, मगर जो उक्का है उक्का पीने से वो साइनाइड डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाता है, जबकि सिगरेट है उसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, उससे मतलब साइनाइड जा रही है मगर कम मिकदार में जा रही है। तो इससे ये अंदाज़ा निकाला है मतलब रिसर्च से कि अगर कोई बंदा पूरा एक घंटा उक्का पिए तो ये सब 100 सिगरेट के बराबर होता है।